नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहता राकेश टंडन। कोरोना वैक्सीन पर एक बार फिर से सियासत का मीटर हाई हो गया है। एक बार फिर अफवाह गैंग काम पर है। देश की वैक्सीन पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बारे में वैक्सीन में बछड़े का सीरम होने का दावा किया गया है। एक आरटीआई में कांग्रेस नेता ने कुछ ऐसा शेयर किया जिस पर बवाल मचा हुआ है। हो भी क्यों ना, जिस वैक्सीन पर देश भरोसा कर रहा है, जिस वैक्सीन के सहारे देश कोरोना से जंग जीत रहा है, उस वैक्सीन को बार बार फेक न्यूज और रिपोर्ट के सारे निशाने पर लिया जा रहा है। कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। यह दावा है कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पंधी ने किया है। पंधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर भी किए हैं ट्विटर पर। उन्होंने दावा किया है कि यह जवाब एक आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। अब इस दावे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने महापाप किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का आरोप गलत है। बीजेपी के संबित पात्रा ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है कि भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोवैक्सीन को लेकर जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव फांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर एक। और नंबर दो, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आपने सुना और अब हमलावर हैं, साफ कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। कांग्रेस नेता गौरव पांडी ने क्या ट्वीट किया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम है जो क्लॉटेड ब्लड का एक हिस्सा है, जो कि 20 दिन तक के गाय के बछड़े से लिया जाता है उनकी हत्या करने के बाद। ये जघन है, ये जानकारी जनता को पहले देनी चाहिए थी। गौरव पांधी जो कि सोशल मीडिया का काम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने ट्वीट किया है और एक आरटीआई है उसका हवाला भी दिया है कि इस आरटीआई में माना गया, इस आरटीआई की जो कॉपी है इसमें कितनी वैधता है, कितना सच है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम इसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। लेकिन गौरव पांधी ने उस आरटीआई के कागज को भी ट्वीट किया है। जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि भाई अगर आरटीआई से खुलासा हुआ है तो सरकार जवाब दे दे, और या तो ये कह दे कि ये जो आरटीआई के कागज हैं जो गौरव पंधी ने ट्वीट किए हैं वो सरासर फेक है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है वैक्सीन पर जो राजनीति शुरू हो गई उस पर बातचीत करने के लिए। राजीव पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। साथ ही साथ दीपक झा है राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। डॉक्टर राजू व्यास हैं डायरेक्टर कॉर्डियो फोर्टिस के, और डी के झा है सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के। शुरुआत राजीव पांडे जी आपसे करता हूं। राजीव जी, संबित पात्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक बहकावे वाली राजनीति कर रही है, तथ्यों को गलत तरीके से सामने लड़ रही है और धार्मिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आपके आरोप क्या क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, और गौरव पांडे ने जो ट्वीट किया है जो पूरा कागज है आरटीआई का, क्या वो गलत है? राजीव पांडे जी, देखिए जो संबित पात्रा जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मूलतः इस देश के किसी भी सिद्धांत के खिलाफ है। देखिए वो जिस प्रकार से बात कर ठीक है। राजीव जी बोलिए, आप आपकी आवाज आ रही है। राजीव पांडे जी क्या आपको आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई पड़ी सर, आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी है वही पार्टी है जो अगर लगता है कुछ दिक्कत है राजीव पांडे पास, दीपक के पास चलेंगे। दीपक झा भी हमारे साथ हैं। दीपक, जो गौरव भांडी ने पेपर ट्वीट किया है उसमें जो आरटीआई है वो विकास पटनी की है, जहां तक मेरे पास जो कॉपी है मैं पढ़ पा रहा हूं, विकास पटनी की, और 15/4/2021 की, और उसमें आठवें पॉइंट के जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप गाय के बछड़े का सिरम यूज किया है कोवैक्सीन में। क्या ये पेपर कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई करती है? क्या आप मानते हैं कि हाँ ये पेपर सही है? क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? दीपक झा, देखिए राकेश भाई, सबसे बात पहले मैं बता दूं, जो राकेश पांडे जी बैठ के कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ने लगते हैं, ये अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ेंगे तो इनको देश का इतिहास भी पता आएगा और इनको अपने पूर्वजों का इतिहास भी पता लगेगा, क्योंकि अभी ये मोदी का इतिहास पढ़ते हैं तो सिर्फ मोदी मोदी की बात करते हैं। मैं आज भारत माता की और भारत देश की बात करना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती हैं, आयुर्वेद में भी जानवरों के मांसों का इस्तेमाल करने का, अगर आप चरक संहिता सुश्रुत संहिता की बाघभट्ट संहिता पढ़ेंगे तो उसमें भी पुराने जमाने में आता गया है। अब आती है बात आज के इस उसमें कि गौरव पांडे ने क्या ट्वीट किया। गौरव पांडे ने अगर भारत सरकार की आरटीआई, वो पेपर मेरे पास भी है राकेश जी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, वो पेपर मेरे पास भी है। भारत सरकार ने जिस तत्परता के साथ ट्विटर पे कार्यवाही करती है, फेसबुक पे कार्यवाही करती है, उस तत्परता के साथ गौरव पांडे अगर झूठे उन पे कार्यवाही करें, ये पेपर जहां आया उस पे कार्यवाही करें, बजाय इसके कि संबित पात्रा जैसा झूठा आदमी आके मीडिया के सामने लाव लश्कर के सामने अपना बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वन तरफा होती है ना, उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता यहाँ पे। एक बात आप मानते हैं इस कागज के साथ? आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ राजीव जी, किस पास आप कौन से इन्फॉर्मेशन? राजीव जी एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। राजीव जी एक मिनट आ रहा हूँ। दीपक मतलब इस पेपर को आप वैलिड मानते हैं? मुझे पहले मुझे एक बात बताइए। एक मिनट राजीव जी, आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ आपकी आवाज। उस कागज की वैधता क्या है? वही पूछ रहा हूँ राजीव जी, वही पूछ रहा हूँ दीपक से। एक मिनट दीजिए, आप ही के पास आऊंगा। दीपक इस पेपर की वैलिडिटी क्या है? क्योंकि आप जो आरटीआई जिसने लगाई है पाटिल वो दूसरा व्यक्ति है, गौरव ने इसको ट्वीट किया है, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये वैध है पेपर, ये बिल्कुल सही पेपर है? देखिए इसकी जांच मैं करूंगा या आप करेंगे, हम और आप इस पे बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। राजीव पांडे जैसे लोग इसमें भाग सकते हैं, इसमें अपना चेहरा, बजाय इनको कि अपने गृह मंत्री से, बजाय इसको अपने कानून मंत्री से, रविशंकर प्रसाद जी से कहें, ठीक है इसकी जांच कराइए ना भैया। आपको इतना दर्द है और इतने ट्विटर के ऊपर जो आप कह सकते हैं क्लॉज था, जो उसको प्रोटेक्शन था, वो क्लॉज हट गया है और बकायदा एफआईआर ट्विटर के ऊपर दर्ज हुई है। राजीव पांडे जी, बिल्कुल मेरठ में हो गई है, गाजियाबाद में भी होगा। हाँ राजीव पांडे जी आप ही के पास आ रहा हूँ, दो सवाल आपसे। राजीव जी आवाज मिल रही है आपको? और कोवैक्सीन के इतने हमदर्दी क्यों बने? ठीक है राजीव पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल रही है?
जी जी बिल्कुल मिल रही है। राजीव जी, दो मूलभूत सवाल है। पहला, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा और संबित पात्रा ने खास तौर से डिनाई किया कि अब बछड़े के सिरम का इंतजार इसमें बिल्कुल भी नहीं है और कोवैक्सीन में कोई जानवर के सिरम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अगर संबित पात्रा जी बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार बड़े प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सरकार का इनपुट हो सकता है उनके पास, हो आपके पास भी होगा इनपुट, तो क्या ये आरटीआई का जो पेपर है क्या ये फर्जी है, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? राजीव पांडे जी, देखिए मुझे ये नहीं पता कि वो आरटीआई का कौन सा पेपर दिखा करके ये पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आरोप कितना संगीन है कि वो कह रहे हैं कि ये 20 दिन के बछड़े को काट करके इस प्रकार की बात वो अपने पेपर को दिखाए पूरी दुनिया को। और मैं आपको कह रहा हूं, भारत बायोटेक इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और देश की जो सरकार है वो भी, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधि है। राहुल गांधी वैक्सीन नहीं लेता और देश को बर्बाद करने के लिए भ्रांति उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे एक बात बताइए, भारत बायोटेक से, ये भारत बायोटेक से पहले पूछते हैं सरकार को वैक्सीन नहीं बना रही है, ये भारत बायोटेक देश के इंडस्ट्री के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश के हर उस चीज के खिलाफ काम करती है। राजीव जी आपने अपनी बात रखी है। राजीव जी आप अगर एक तरफा बोलते रहेंगे तो मैं राजीव जी, अभी भारत बायोटेक ने भी स्टेटमेंट रिलीज किया है और भारत बायोटेक ने भी ये बात कही है कि हमने किसी गाय के बछड़े का सिरम को वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल नहीं किया है। भारत बायोटेक ने बिल्कुल स्टेटमेंट जारी करके ये बात साफ कह दी है कि हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए बड़ी चीज है, आप कोई चीज ट्वीट करते हैं, आरटीआई का पेपर ट्वीट करते हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए गलत गई है पहला, या फिर फर्जी आरटीआई के पेपर बनाए गए? दो ही चीज हो सकती है राजीव जी। हाँ आप बोलिए, आप ही सवाल है राजीव जी। देखिए मेरा एक कहना है, कानून के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये देशद्रोह के लेवल का काम है, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना पर कोहरा मचा था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई की बात कर रहे हैं राजीव पांडे और पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई अब तक, पहली बात। दूसरी बात, भारत बायोटेक जो कि निर्माता कंपनी है उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो ये विरोधाभास हो रहा है। भारत बायोटेक कंपनी ने डायरेक्ट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि बछड़े का सिरम हमने कोवैक्सीन बनाने में यूज नहीं किया है। दीपक, राकेश भाई मैं आपको बताऊं, ये जो कोवैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं या कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, हाँ। गैप के लिए डॉक्टर्स के पैनल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की उसमें रिपोर्ट छपी है कि उन्होंने सजेशन नहीं दिया था, हाँ। क्योंकि उनका अलग मानना है, सरकार का अलग मानना है। सरकार को पता है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए कहते दो हफ्ते का नहीं भैया, चार हफ्ते का, छह हफ्ते का गैप कर लेना। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, वैक्सीनेशन राकेश भाई मैंने लिया है और 2 महीने पहले ले लिया था दोनों डोज, लेकिन वैक्सीनेशन के उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मैंने वैक्सीन लिया है, मेरे अंदर एंटी पहले बताओ है। राजीव भाई एक मिनट, हम करेंगे, आप अपने पॉइंट रखिए, दीपक अपने पॉइंट रखिए, हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर भी हैं, शालिनता के साथ सुन रहा हूँ मैं दीपक बोल रहा हूँ, एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ। ये आरटीआई में लिखा हुआ है, पॉइंट 8 पे लिखा है, पाटिल की आरटीआई जिसको दीपक गौरव पांडे ने ट्वीट किया है कि हाँ भाई इसमें इस्तेमाल हुआ है। भारत बायोटेक जो ओरिजिनल कंपनी है वो स्टेटमेंट देकर कह रही है कि भाई हमने इस्तेमाल नहीं किया है गाय का बछड़ा, ना उसका सिरम इस्तेमाल किया है। तो दोनों चीज में विरोधाभास है।
मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और राजीव पांडे का भी दूंगा। राजीव पांडे जी ने अपने बयान में पहले ही कहा था कि मुझे पता नहीं कौन सा कागज कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया। पहली बात, अपनी नॉलेज जाके दुरुस्त करके आए, पहली बात, पढ़े लिख के आए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब इनको मैं वैक्सीन पे सवाल उठा देता हूँ। मैं वैक्सीन पे आज सवाल उठा रहा हूँ आपके चैनल और आपके डिबेट के माध्यम से। मैंने दोनों डोज लिया है लेकिन कोई एंटीबॉडीज मेरे बॉडी के अंदर नहीं बनी। ये पानी लगवाया है कि वैक्सीन लगवाया है? मैं देश से सवाल करता हूँ और इस सरकार से भी। अब देता हूँ आपके सवाल का जवाब। कांग्रेस पार्टी गलत है, भारत बायोटेक ने गलत किया है, किसने गलत किया है, किसने क्या मिलाया है, सरकार को उजागर करना चाहिए उसके फॉर्मूले पे कि क्या बनाया है। ठीक है, राजीव पांडे यहाँ बैठ के लड़ाई करने नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे। राजीव पांडे लड़ाई नहीं करेंगे। राजीव पांडे आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ डिबेट करेंगे। डॉक्टर राजू व्यास डायरेक्टर कॉर्डियो है फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर राजू, आप मैं समझना चाहता हूँ साइंस क्या कहती है, क्या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, वैक्सीन्स होती है, क्या उसमें जानवरों का इस्तेमाल होता है, सीरम्स का इस्तेमाल होता है, साइंस क्या कहती है? डॉक्टर राजू व्यास जी, साइंस के अनुसार जो मैंने फॉर्मुलेशन पढ़ा है कोवैक्सीन का और जो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी अपनी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो वीरस सेल्स होती हैं उसको ग्रो करने के लिए एक कल्चर मीडिया की जरूरत होती है या कुछ ऐसे पदार्थों की जरूरत होती है जिसमें कि वो सेल्स ग्रो कर पाए। और मुझे लगता है कि वहां पे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड की या सीरम की, वहां पे ये इनिशियल फेज में इस्तेमाल किया गया, वहां पे सेल्स को ग्रो कराया गया और जब सेल्स ग्रो हो गई तो उन सेल्स को बाहर निकाल के उसको फिर वाटर और कुछ केमिकल्स द्वारा वॉश किया जाता है। और वॉश करने के बाद में उसके अंदर फिर एक्टिवेटेड कोविड वायरस को एंट्री दी जाती है और ये जब पूरा फॉर्मुलेशन बन जाता है तो फिर इसको इनएक्टिवेटेड कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता मतलब डॉक्टर, और ये फॉर्मुलेशन जो है डॉक्टर राजू, ये माना जाए कि हाँ इन जानवरों के सीरम्स का, ब्लड्स का इस्तेमाल होता है, यूज इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है। बोवाइन जो है, बोवाइन जो हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, हम डिफरेंट टाइप के रेबीज के फॉर्मेशन और, और, और ये पहले डॉक्टर राजू पोलियो में भी, पोलियो में भी हमने यूज किया है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, अगर इस वैक्सीन में इस्तेमाल हुआ हो नहीं हो, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, पहले से ऐसा होता है। हाँ, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन जो मैं करना चाहूंगा वो ये कि जो अंतोगत्वा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर जो है इस प्रकार का कोई सीरम या ब्लड कंटेंट अवेलेबल नहीं, ये बात। दोनों बातें अलग अलग हैं। इनिशियल फेज में जब बनाया गया तब उसमें यूज किया गया, लेकिन जब प्योरीफाई फॉर्म में जो हमें इंजेक्शन दिया जा रहा है उसमें यूज नहीं, वैक्सीनेशन में उसमें यूज नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप बीके झा भी हैं सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे, साइंस क्या कहती है वैक्सीन को लेकर? डॉक्टर झा, देखिए साइंस बिल्कुल क्लियर है। जो भारत बायोटेक का जो इनका प्रोडक्शन वाला जो क्लियर कट लिखा हुआ है, जो इसके अंदर जो हम लोग बड़ी बहस है और देश में आप कह सकते हैं सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है इसको लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी बहस जारी रहेगी। देखिए इंडिया न्यूज, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोवैक्सीन में बछड़े की सीरम के इस्तेमाल का मामला, भारत बायोटेक ने बयान जारी किया है। वायरल वैक्सीन उत्पादन में सीरम का इस्तेमाल, सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है सीरम। कोविड 19 वैक्सीन में सीरम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, भारत बायोटेक ने यह बयान जारी किया है। और एक तरफ गौरव पंडित कांग्रेस के सोशल मीडिया की टीम के मेंबर्स हैं और उन्होंने कहा कि हाँ भाई इस्तेमाल होता है, आरटीआई पाटिल साहब की लगाई हुई थी और उस पाटिल साहब की आरटीआई का हवाला दिया है। दूसरी तरफ भारत बायोटेक ने बयान जारी करके किया है कि किसी भी रूप के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने के लिए नहीं किया गया है। यानी भारत बायोटेक ने साफ कर दिया कोवैक्सीन में कोई सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत बायोटेक का हमने आपको बयान दिखाया। वैक्सीन विवाद पर हेल्थ मिनिस्ट्री का भी बयान आया है। वैक्सीन में बछड़े के सीरम वाले विवाद पर बयान आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स बनाने में, वीरो सेल्स वायरल ग्रोथ को तोड़ते हैं, वीरो सेल्स बढ़े हुए वायरस को खत्म करता है। जी हां, वैक्सीन के
फाइनल फॉर्मूले में बछड़े का सिरम नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया, एक तरफ भारत बायोटेक ने किया है, एक तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है और कहा है कि बछड़े के सिरम का प्रयोग नहीं किया गया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, राजीव पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर राजू व्यास डायरेक्टर कार्डियो फोर्टिस अस्पताल के हमारे साथ हैं और डीके झा सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल भी है। दीपक झा जी आपसे ही शुरुआत करता हूं, मैं इस चीज से बार बार कह रहा था, आप देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान आ गया बछड़े के सिरम का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला, भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी, उसने भी साफ कर दिया किसी सीरम का प्रयोग नहीं किया गया है, अब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सरकार ने क्या कहा, बायोटेक ने क्या कहा, वो एक बात हो गई। दूसरी बात, आपके चैनल पे बैठे हुए दो बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर आपके सामने बैठे हुए, इन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेज पे ऐसा कुछ किया जाता है जिससे कि वो ग्रोथ की जा सके, जिससे कि वो डेवलप की जा सके। अगर हमारा क्या है, हम सब लोग भावनाओं से चलते हैं, देखिएगा धर्म को अलग रखना पड़ेगा, विज्ञान को अलग रखना पड़ेगा, विज्ञान को धर्म की कसौटी पे कसना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना कसे हुए आप विज्ञान को मान लीजिए और धर्म को मान लीजिए, नहीं। लेकिन आज डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि देखिए भैया हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर्स ने ही आपके चैनलों पे बोला है। तो भाजपा को अभी इसको क्या है कि हम सब लोग गाय की पूजा करते हैं, गौवंश की पूजा करते हैं, अभी इन्होंने ही कानून बना दिया था कि गौवंश की हत्या होगी तो इतने साल की जेल होगी, तो अब इसकी बजाय जांच नहीं करवाने देंगे, इसकी बजाय पूरा का पूरा भाजपा सेल, पूरा का पूरा सरकार का एक महकमा इनको सीधा पहले दिन से, अरे भैया किसने जांच किया, भारत बायोटेक का किसने जांच किया? जांच करना चाहिए ना, आपको मिलता है कि इस खाद्यान्न में मिलावट है, कहीं मिठाई में मिलावट पाई जाती है, आप जाके वहां पे छापेमारी करते हैं। आपका कह रहे हैं कि जांच करा दीजिए बजाय राजनीति करने के, जांच करा दीजिए। राजीव जी दो बयान बताइए कि धर्म को अलग रखिए, विज्ञान को अलग रखिए, धर्म और विज्ञान अलग अलग, ठीक है ठीक है, अलग रखें, इनको कहें कि अगर ऐसा होता है इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें लोगों की भावनाओं की आहत नहीं की जाती, बोले सरकार बयान से, ठीक है ठीक है। राजीव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ राजीव जी, आप ही से कह रहा हूँ, आपके ऊपर सवाल उठाया है, आपके चैनल पे ही हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आ गया। देखिए कोई भी जब सीरम बनता है, हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसमें फाइनल स्टेज में ये इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये उन्होंने कहा है। अब मेरी बात सुनिए आप, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया, भारत बायोटेक ने कह दिया, देखिए ये फर्जी गांधी परिवार जो है, ये हो सकता है कि कोई फर्जी निकाल करके दिखा करके पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये सिंपल मानना है कि आपने देखा कि किस प्रकार से वैक्सीन के ऊपर इन लोगों ने पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की कि बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं देश में, ये उसी राजनीति का एक हिस्सा है। आपको भी पता है, पूरे देश में पता है कि एक विशेष वर्ग है इस हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लेने से मना कर रहा है। क्या राजनीति है ये? कौन लोग हैं जो वैक्सीन को के बारे में मन में संदेह राकेश भाई क्रिएट करना चाहते हैं देश की जनता में, और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है। अब इन्होंने नया कह दिया कि गाय के बछड़े का सीरम है। अब कुछ लोग कहेंगे हम गाय का बछड़े का सीरम कैसे लगवा रहे हैं? राजीव जी मैं देखिए, मैंने भारत बायोटेक का जो स्टेटमेंट था वो भी आपके सामने पढ़ा, मैंने जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है वो भी आपके सामने पढ़ा। अब एक ही चीज इसमें रह गई, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, हम बात हैं उस बात को मानेंगे, पहला। दूसरा, जो कंपनी निर्माण कर रही है उसने भी साफ साफ इन अक्षरों में कह दिया, तो फिर ये आरटीआई में राजीव जी क्यों कहा गया कि हाँ भाई हमने यूज किया है? ये एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर कुछ है ही नहीं ऐसा, सीरम बछड़े का यूज नहीं किया गया है कोवैक्सीन बनाने के लिए, तो ये आरटीआई में आठवें पॉइंट पर पाटिल साहब के जवाई में जो ऑनलाइन दिया गया है वो कैसे आ गया? हाँ बोलिए बोलिए राजीव जी। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, कि इसके पीछे कोई एक साजिश भी हो सकती है कि इनका कोई व्यक्ति जो जानबूझ करके इसके खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया। देखिए आरटीआई में, इसलिए मैं कह रहा हूं
कि इसके इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये आप बताइए ना कि जब जब कभी भी किसी किसी सीरम को कंफर्मेशन दिया जाता है तो उसके पूरे कई स्टेज पर उसके बारे में जांच होती है, तब जाकर के उसको आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। यहाँ दो प्रबुद्ध डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कोई सीरम इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए रिसर्च अलग चीज है, कांग्रेस पार्टी ने क्या करने की कोशिश की है मैं बताता हूँ। ये बार बार कांग्रेस पार्टी ये करने की कोशिश कर रही है कि गाय के बछड़े की हत्या करके इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। ये इतने पापी हैं, पाप के कारण आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं ये लोग। ये गाय के हत्या की बात कर रहे हैं इस सिरे के लिए। दीपक भ्रम फैलाने की कोशिश लोग की जा रही है, जनता ऐसे जो एक धार्मिक आप कह सकते हैं भावनाएं हैं, क्या उसको छेड़ने का काम किया गया है? क्योंकि अब जब कंपनीज कह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, किसका भरोसा करें? दीपक देखिए राकेश भाई, अभी आपके चैनल पे राजीव जी ने क्या बोला, फाइनल स्टेज पे नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल फाइनल मतलब इनिशियल स्टेज पे तो मिला हुआ है। ये वही पार्टी है जिसने केरला में गाय को काट करके बीफ पार्टी कर रही थी। राहुल गांधी बीफ पार्टी का ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टी का अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट रहा। राजीव जी आपने जो सवाल उठाया है, राजीव जी जो आपने सवाल उठाए हैं, मैं उसी का जवाब दीपक जी से लेना चाहता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम है, वो आराम से 10 मिनट और पास हो जाएगा इसी बहस में, वो जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं दीपक जी आप जवाब दीजिए, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूं। राजीव भाई ने सवाल उठाया है, क्या आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है राकेश भाई? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूं कि सरकार दो तरह के बयान जारी करती है, आरटीआई के कुछ और, पेपरबाजी और संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ और। तो सरकार झूठी है या संबित पात्रा झूठा है, कौन झूठा है? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जनता को हमारा और आपका भी जानने का हक है। अभी राजीव पांडे ने कहा फाइनल स्टेज, फाइनल से पहले इनिशियल स्टेज पे आता है, तो इनिशियल स्टेज पे आपने इसकी कैसे ग्रोइंग की देश को आप बताइए। आपके विद्वान डॉक्टर यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इसकी ग्रोथ की जाती है, उसमें हम जानवरों को यूज करते हैं, तो झूठा कौन है? देश के साथ धोखेबाजी कौन कर रही है? ये सरकार कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने उजागर कर दिया आपका काला चेहरा, आपका क्या हुआ कुकृत और पाप, कि आप किस तरीके से देश को बरगलाने का काम करते हैं। जाके चोला पहन के गंगा नहाने से आप धार्मिक नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन की बात करते हैं और भारत बायोटेक को आपने छूट दे दिया कि कुछ भी करने का नहीं। और फाइनल तो इनका बयान कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। आ रहा हूँ डॉक्टर राजू व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर बोलिए आप। जी सबसे मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से एक बहुत ही स्पष्ट बात निवेदन करना चाहूंगा, इसको राजनीतिक इस समय में जब हिंदुस्तान इतने बड़े कोरोना के एक मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, जब देश में बहुत सारी भ्रांतियां वैक्सीनेशन को लेके फैली हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के सवाल उठाना नंबर वन वो भी गलत था, और उसके बाद में क्वेश्चन उठाने के बाद इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी करना वो भी गलत था। इससे एक समाज दोनों ही लोग आपका कह रहा है दोनों ने गलती करी, कांग्रेस ने दोनों ने गलती करी और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलती करी, और ये इतना बड़ा सवाल इसलिए मेरे अनुसार नहीं है क्योंकि ये वर्षों बरस जितने भी वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में डेवलप हुए, वर्ल्ड में डेवलप होते हैं, तो कल्चर मीडिया के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ऐसे वैक्सीनेशन के, जब एक वैक्सीनेशन हेजिडेंसी हम लोग बहुत तेजी से महसूस कर रहे हैं, विलेजेस में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे, अगर हम इस प्रकार की आपस में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट, गलत मैसेज आएगा और लोग वैक्सीनेशन के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर राजू आपने दिया है, वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आएंगे, इसलिए हमें इस बात को यहीं खत्म कर देनी चाहिए। ठीक कह रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मुझे लगता है कि दोनों प्रवक्ताओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि साइंस और डॉक्टर्स जो इस वक्त के लिए पैंडेमिक के लिए हमारे लिए भगवान है, उनकी राय भी माननी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको लगता है कि ये आज जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, अब ये कहां तक जाएगी ये तो कह पाना मुश्किल है, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज के आप कह सकते हैं नुमाइंदे बैठे हैं, यही तय करेंगे कहां तक जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि आज जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इसका इफेक्ट क्या आने वाले समय में वैक्सीनेशन पर भी होगा? कुछ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, वो कहेंगे साहब अगर इसमें गाय के बछड़े का सीरम है तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। डॉक्टर गुप्ता
देखिए फरवरी मार्च में भी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी लोगों द्वारा, उस तरह में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों में हेजिटेंसी आ गई थी। जैसे डॉक्टर राजू बैस ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं किसी भी पार्टी को, किसी भी पद को, किसी भी पक्ष को, विपक्ष को इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये संजीवनी है, ये अमृत है। और ये गलत कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज नहीं बनी, ऐसा नहीं हो सकता एंटीबॉडीज नहीं बनी, इनका टेस्ट ठीक नहीं था, वो वैक्सीन गलत नहीं थी, वो टेस्ट ठीक नहीं हुआ है। और एंटीबॉडीज 70-80% बनती है, 20% में नहीं भी बनती तो भी हमें 80% जनता को तो बचाना है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है वैक्सीनेशन, 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 और कुछ नहीं है। तो इस समय इन सब बातों को दरनिकार करके एक बात बताइए, मरीज अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ब्लड के प्रोडक्ट देते हैं, प्लाज्मा देते हैं, पीआरबीसी देते हैं, एफएफपी देते हैं, तो क्या ब्लड प्रोडक्ट नहीं है? उसके लिए किसने मना कर दिया दवाई? तो दवाई के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे इस तरह की भ्रांतियां फैलाना, समाज का धोखा करना है, और इस तरह की इनका कोई एक बार राजीव पांडे जी से क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं। राजीव पांडे जी, क्या इस बहस को ऐसा किया जाए कि कम से कम आगे चल के दिक्कत ना हो? क्योंकि एक भ्रांति अगर देश में बैठ जाएगी कि बछड़े के सीरम से का इस्तेमाल हो रहा है तो लोग वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक दलों को क्या ये बहस छोड़ देनी चाहिए? राजीव पांडे जी, देखिए देखिए मुझे एक बात बताइए, ये बहस शुरू कैसे हुई? अभी दोनों प्रबुद्ध डॉक्टर जो कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि देश में ऐसे ही वैक्सीन हेजिटेंसी थी। ये हर बार वैक्सीन हेजिटेंसी को क्रिएट करने वाले लोग कौन है? आज कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए काम किया है क्योंकि ये देश के विकास के विरोधी है। किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने वैक्सीन के बारे में कोई बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी कह रही है वैक्सीन में प्रॉब्लम है, वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है, राजीव वैक्सीन में ये है, आरटीआई लगाती है। थोड़ी सी वक्त की कमी है, क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं। क्लोजिंग कमेंट दीपक, वैक्सीन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप याद करिए, आपने जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया उसके बाद ये बहस छिड़ गई है, वरना तो वैक्सीन चली रही थी। अगर उसमें कुछ था नहीं था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पर विवाद नहीं होना चाहिए दीपक। विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए वो बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन जो पूरी की पूरी महकमी सरकार है उसको बचाने में आ गई कि कैसे बना है कैसे नहीं बना, वो बनता ही ऐसे है, उसका नेचुरल प्रोसेस ही वैसे है, कई सारी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने पहले कहा था धर्म और विज्ञान अलग है, धर्म और विज्ञान को अलग रखना पड़ेगा। आप सब हमसे जुड़े, राजीव पांडे जी थे, दीपक झा जी थे, डॉक्टर राजू व्यास और साथ ही साथ डॉक्टर डीके गुप्ता थे, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। चारों हमारे साथ थे, हमने डिस्कस किया कि आखिर वैक्सीन या ड्रग्स बनती है तो क्या उसमें बछड़े या फिर किसी अन्य जानवर का इस्तेमाल हो सकता है। जो पैनल्स में डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा इनिशियल लेवल पे हो सकता है। भारत बायोटेक और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कहा अगर नहीं हुआ है तो आरटीआई में जो जानकारी है वो कहां तक सही है। बीजेपी ने आरोप लगाया इस पूरी बहस में कि वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस लोगों में भ्रांतियां फैला रही। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देखते रहिए न्यूज़।